नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर है विपिन रावत को लेकर। जी हां, देश के पहले सीडीएस विपिन रावत ने चिदंबरम जो कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता है उस पर बेहद सख्त कार्रवाई की है, बेहद बड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है, वो कार्रवाई क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही आप मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहला सीडीएस विपिन रावत को बनाकर ये सही कदम उठाया है या नहीं। अपना जवाब और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि खबर क्या आ रही है, चिदंबरम पर क्या एक्शन लिया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सीधे सीधे ये जान लीजिए कि दरअसल माजरा क्या था। दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान विपिन रावत ने यह कहा, जब वो थल सेना अध्यक्ष थे, विपिन रावत जी ने यह कहा कि देश के कुछ संस्थान ऐसे हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर नेतृत्व है उनका वो गलत दिशा में लोगों को भटकाने का काम कर रहा है, छात्रों को गलत दिशा में भटकाने का काम कर रहा है। दरअसल ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हाल ही में हमने जैसा कि देखा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में सीएए के विरोध प्रदर्शन के नाम पर जिस तरीके से हिंसा भड़काई गई, हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी की गई, एएमयू में जिस तरीके से उत्पात मचाया गया, लखनऊ के जो नवादा कॉलेज है उसमें जिस तरीके से उत्पात मचाया गया, तो ये कुछ संस्थान ऐसे हैं और जेएनयू की बात आप जानते ही हैं। तो इन संस्थानों को लेकर विपिन रावत जी ने यह कहा कि देश के ये ऐसे संस्थान हैं, हालांकि उन्होंने किसी संस्थान का नाम नहीं लिया था अपने वक्तव्य में, और उन्होंने ये कहा था कि नेतृत्व क्षमता गलत दिशा में ले जाने का काम कर रही है और नेतृत्व का काम ये नहीं होता। आप मुझे बताइए कि इस बयान में गलती क्या थी? क्या जामिया मिलिया इस्लामिया के जो छात्र, बेहुदा छात्र कहूंगा मैं उन्हें, क्योंकि छात्र ऐसे नहीं होते हैं कि आप सड़कों पर उतर जाइए, महिलाओं से बदतमीजी कीजिए, बसों को आग लगाइए, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकिए, और आपका विरोध किस बात का था? आपका विरोध था नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। आप उसके विरोध की आड़ में जो है वो पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, आप नारे लगा रहे हैं हम छीन के लेंगे आजादी, हिंदुओं से आजादी, हमें भी चाहिए वैसे तो आजादी, गुंडों से आजादी, तुम जैसे जाहिलों से आजादी, इस देश को दे दो आजादी। आपको बता दूं एएमयू में क्या हुआ था, नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, इस तरीके के नारे लगाए गए, उत्पात मचाया गया। जेएनयू आपको पता ही है कि जेएनयू में क्या होता है, हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कश्मीर से अगर धारा 370 हटा दी जाती है तो जेएनयू वाले विरोध करते हैं, भारतीय सेना के खिलाफ भद्दी टिप्पणियों का इस्तेमाल किया जाता है, भद्दे नारेबाजी की जाती है, यह होता है जेएनयू में। तो इन संस्थानों को लेकर अगर विपिन रावत जी ने यह कह दिया कि ये नेतृत्व क्षमता नहीं होती है और नेतृत्व गलत दिशा में इनको भटकाने का काम कर रहा है, तो इस पर क्या गलत कहा था? लेकिन इस पर चिदंबरम साहब भड़क गए। जी हां, दरअसल चिदंबरम ने क्या कहा वो आपको बताता हूं। चिदंबरम साहब जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, खैर फिलहाल तो तिहाड़ की हवा खा के आ चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री साहब ज्ञान दे रहे हैं, वो वित्त मंत्री जो घोटालों के आरोप में सजा काट के मतलब तिहाड़ जेल में रह के आ गया, मामला अभी भी चल रहा है, और वो सलाह देता है इकोनॉमी पर। अरे कुछ तो शर्म करो यार। आपको बता दूं कि पी चिदंबरम ने क्या कहा था, पी चिदंबरम ने यह कहा विपिन रावत को क्या कहा, उन्होंने कहा कि डीजीपी आर्मी जनरल को सरकार को सपोर्ट करने को कहा जा रहा है, यह शर्मनाक है, मुझे जनरल रावत से अपील करना है कि आप आर्मी के मुखिया हैं और अपने काम से काम रखिए, जो नेताओं को करना है वो नेता ही करेंगे, यह आर्मी का काम नहीं है, वे नेताओं से कहें कि हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि यह हमारा काम नहीं है, हम आपको बताएं कि युद्ध कैसे लड़ा जाए। यह था चिदंबरम का बयान, कांग्रेस पार्टी के 135वें स्थापना दिवस के मौके पर यह बयान जो है तिरुवनंतपुरम की एक रैली में दिया था पी चिदंबरम ने। पी चिदंबरम समझाएंगे कि थलसेना अध्यक्ष को करना क्या है और क्या नहीं करना है, इनकी औकात है इतनी, देश की सेना, देश के जांबाज जवान जो सरहदों पर हमारी सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं,
माइनस 45 डिग्री में जो हमारे हमारी सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं, हम और आप यहां पर महफूज रहते हैं। ये चिदंबरम साहब जो अपनी जवान जो तोते की तरह चला रहे हैं, ये इस वजह से चला पा रहे हैं क्योंकि देश की सेना जो है वो सरहदों पर तैनात है। और ये कहते हैं कि थल सेना अध्यक्ष से कहते हैं, ये विपिन रावत जी से कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, नेताओं को मत सिखाइए। तुम जैसे टुच्चे नेताओं ने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, देश को बांटने का काम किया, और आप उस सेना को समझा रहे हैं जो देश की सरहदों के लिए तैनात रहती है। खैर, इस पर आपको बता दूं कि जो विपिन रावत है उन्होंने भी एक बेहद सख्त बयान दिया है पी चिदम्बरम को लेकर। आपको बता दूं कि आज विपिन रावत ने देश का पहला सीडीएस बनते ही उन्होंने साफ कहा कि राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। विपिन रावत ने मीडिया से बात की और कहा, उनकी नियुक्ति पर भी कांग्रेस ने सवाल उठा दिए थे। आपको बता दूं तो विपिन रावत जी को पहला सीडीएस बनाया गया तो कांग्रेस इससे भी बौखला गई थी, कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठा दिए थे। सीधे सीधे कांग्रेस का जो एक नेता है मनीष तिवारी, उन्होंने यह कह दिया था कि सरकार ने सीडीएस पद को लेकर गलत कदम उठाया है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था कि रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार को नामित करने के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों की ओर से सरकार को दिए जाने वाले सैन्य सुझावों पर क्या असर होगा, क्या सीडीएस की सलाह संबंधित सेवा प्रमुखों को संबंधित सेवा प्रमुखों की सलाह से ज्यादा अहमियत रखेगी। यह था मनीष तिवारी का ट्वीट। कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठा दिए थे कि पहला सीडीएस विपिन रावत को क्यों बनाया गया, राहुल बाबू को बना दें अगर बस चले कांग्रेसियों का, तो इस देश के जो जितने भी सारे पद हैं, जितने भी सारे जो सब पुरस्कार हैं, सब में गांधी खानदान को बिठा दे। विपिन रावत जी की नियुक्ति पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया, लेकिन विपिन रावत ने इनको करारा जवाब दिया है। आपको बता दूं कि विपिन रावत ने सीधे सीधे यह कहा कि सेना राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहती है और सेना का काम राजनीति करना नहीं है। आप जैसा टुच्चा काम नहीं है जो आप देश को बांटने का काम करते हैं। विपिन रावत जी ने यह कहा कि सीडीएस का काम तीनों सेनाओं को एकजुट करना है, हम इसी ओर आगे बढ़ेंगे। अब आगे की कार्रवाई टीम वर्क के जरिए होगी, सीडीएस सिर्फ सहयोग करेगा। 1+1+1 जो को तीन नहीं 5 या 7 बनाएंगे और जो भी संसाधन है उस पर काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारा फोकस तीनों सेनाओं को एक साथ करना होगा, इससे अलग जो काम हमें मिलेगा हम उस पर आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार ने तीन साल का कार्यकाल दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। यह विपिन रावत जी का बयान है। उन्होंने सीधे सीधे चिदंबरम के गाल पर एक तमाचा मारा और यह कहा कि सेना का काम राजनीति करना नहीं है। ये जो बयानबाजी करते हैं, सेना यह देखकर नहीं बचाती किसी को, अगर किसी को बचाने जाती है कि यह कांग्रेसी है, यह भाजपाई है, यह आपिया है, यह बामिया है। सेना बचाती है, हर किसी को बचाती है, और देश की सुरक्षा पर जो जवान तैनात है ना सरहदों पर, वो हर किसी के लिए है। आपको बता दूं ओबीसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। विपिन रावत जी के जो बयान था नेतृत्व क्षमता वाला, उस पर ओबीसी भी भड़क गए थे। ओबीसी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा था कि किसी के पद की सीमाओं को जानना ही नेतृत्व है, नागरिकता सर्वोच्चता के विचार को समझने और अपने अधीन मौजूद संस्थान की अखंडता को सुरक्षित रखने के बारे में है। नेतृत्व क्षमता का ज्ञान कौन दे रहा है? असदुद्दीन ओवैसी जो एक कौम को भड़काने का काम करता है, जिसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी यह बयान देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो ज्ञान दे रहा है नेतृत्व क्षमता के बारे में, और वो भी किसको? थल सेना अध्यक्ष उस वक्त थे विपिन रावत जी, उनको ज्ञान दिया जा रहा था। आप सोचिए, ये सेना का अपमान नहीं है तो क्या है? कभी ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग लेते हैं, कभी थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत को ये कह देते हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, ये आपका काम नहीं है। तो ये सीधे सीधे देश की उस सेना का अपमान कर रहे हैं जिसका हम और आप सम्मान करते हैं, उन जांबाज सैनिकों का अपमान कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, जो इतनी जब हम और आप इतनी सर्दी में
कपकपा रहे हैं। और सोचिए कि -45 डिग्री में सियाचिन में हमारी सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं। उन जवानों को ये नेता, कांग्रेस के नेता ओवैसी के ओवैसी ये ज्ञान दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इसके साथ ही विपिन रावत जी ने जिस तरीके से चिदंबरम के गाल पर एक करारा तमाचा मारा है, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आप तक ये खबर ले आया, और अगर आपका खून भी खौला हो चिदंबरम के इस बयान से जो उसने सेना का अपमान करके दिया है, तो इस खबर को हर हिंदुस्तानी हर भारतीय तक पहुंचाने का काम आपका है। मैं ये खबर आप तक ले आया। तो दोस्तों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके साथ ही देशहित चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें, जिससे आपको हर खबर वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।